वो बंदा पूरे भारत में जहर फैला रहा है, दंगे भड़काता है, सारी चीजें खुलेआम करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसका कारण है वो सीडी। और ये सीडी किसकी है, ये कपिल मिश्रा बता रहे हैं अपने मुंह से। जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। वो सीडी में आखिर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आज तक पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है। भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के गृह मंत्री जी चुप क्यों हैं? पता है ये चीजें कैसी हैं। और आपने जो गंभीर आरोप लगाए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आप जैसे लोग जो दो कौड़ी में बिक जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी का चाटेंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी का चाटेंगे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कल को कोई आपको ज्यादा पैसा देगा ना, आप उसके कोठे पे भी जाके नाचोगे। आज मैं बात करूंगा तुम्हारे नए बाप की। नया बाप मालूम है ना, अरे यार तुम लोग रोज बाप बदलने वाले, तुमको याद दिलाना पड़ता है। अरे वही दिल्ली वाला तुम्हारा कपिल मिश्रा। अभी कुछ दिन पहले उसने ट्वीट किया था कि शाहीन बाग की फिर से तैयारी हो रही है, हमें अलर्ट रहना है। तो सुन बे कपिल, बेटा कपिल सुन रहा है ना, हाँ, ये जो शाहीन बाग है ना, ये तेरे औकात से बड़ी चीज है। और तू क्या, तेरी पूरी जो ऊपर नीचे बैठे हुए लोग हैं ना, वो पूरा अपना पिछवाड़ा लगा देंगे ना, तो भी ये बंद नहीं कर सकते। ये संविधान ने हमें दिया हुआ अधिकार है, और शाहीन बाग चलता रहेगा। तुम्हारे अंदर जितना भी गुर्दा होगा, दम होगा ना, रोक के दिखाना। तुम लोग साले पीछे से वार करने वाले, कभी सामने से भी आया करो रे। कब तक पुलिस के पीछे छुपके फायरिंग करेगा, कब तक पुलिस के छुपके पीछे छुपके लड़ेगा रे। देखा हमने दिल्ली में दंगे के टाइम पे तेरा पीछे के पुलिस के पीछे छुपके बहुत बड़ा शेर बनता है। आप लोगों को पता है ये कपिल मिश्रा आज तक बचा क्यों है? कपिल मिश्रा के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कपिल मिश्रा ऐसे आजाद क्यों घूम रहा है? उसके पीछे एक कारण है, उसके पास एक सेक्स सीडी है जिसमें एक पुरुष और एक महिला करते हुए दिख रहे हैं। और उस सीडी के दम पे वो बंदा पूरे भारत में जहर फैला रहा है, दंगे भड़काता है, सारी चीजें खुलेआम करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसका कारण है वो सीडी। और ये सीडी किसकी है, ये कपिल मिश्रा बता रहे हैं अपने मुंह से। जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। वो सीडी में आखिर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आज तक पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है? भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के गृह मंत्री जी चुप क्यों हैं? आखिर कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी को क्यों ज्वाइन किया, और आखिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसका एकमात्र कारण है ये सेक्स सीडी। और ये सेक्स सीडी किसकी है, ये कपिल मिश्रा बताएगा आज अपने को। और खास करके अंड भक्तों, ये वीडियो जरूर देखो, तुम्हारे पापा के चरित्र हनन की एक एक डिटेल में उन्होंने पूरा डिटेल दिया है। आज की वीडियो हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, ये जरूरी है देश को जानना कि आखिर वो सीडी किसकी थी, और आखिर कपिल मिश्रा इतना डंके की चोट पे कैसे बोल पाता है। देखिए कपिल भाई जरा डिटेल में बताना। पंजाब में बात करेगा, इस एफिडेविट को देखिए आप, ये प्रदीप शर्मा नाम के आईएएस अधिकारी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये क्या लिखा है इस एफिडेविट में, चाहता हूं सभी सदस्यों को इस एफिडेविट की प्रतियां जरूर दी जाए, और सदन के रिकॉर्ड में ये एफिडेविट मैं आज दूंगा, सदन के रिकॉर्ड में यह एफिडेविट रखा जाए। एफिडेविट में लिखा है चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड कच्छ टू इनॉग्रेट द हिल गार्डन प्रोजेक्ट एंड अपॉन इट्स कंप्लीशन इट वॉज द टाइम वेन ही वॉज इंट्रोड्यूस टू एन आर्किटेक्ट, उसका नाम मैं यहां नहीं लूंगा, लेकिन उस महिला से हिल गार्डन प्रोजेक्ट के पूरा होने के समय परिचय होता है। शरद उत्सव अक्टूबर 2005 में नरेंद्र मोदी जी उनके साथ ईमेल पे बात करनी शुरू करते हैं, और उसके बाद श्री मोदी एंड मिस हैड बिगन टू एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेजेस विच शी कम्युनिकेटेड टू द पेटिशनर। शी फर्दर मेंशन दैट शी वॉज प्लानिंग टू मीट द चीफ मिनिस्टर, उनको उनके घर पे मिलने के लिए बुलाया जाता है मुख्यमंत्री महोदय के, और शरद उत्सव के अगले दिन सुबह 7 बजे फॉलोइंग मॉर्निंग एट द साइट ऑफ शरद उत्सव एट अप्रोक्सीमेटली 7 AM
द पेटिशनर वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ श्री मोदी वेन मिस अराइव एंड द कन्वर्जेशन बिटवीन दैम एश्योर्ड द पेटिशनर दैट श्री मोदी एंड मिस वर इन फैक्ट एक्सचेंजिंग पर्सनल टेक्स्ट मैसेजेस ईमेल एंड और डायरेक्ट कन्वर्जेशन। और यहां से जब बात आगे बढ़ती है तो पता लगता है वो महिला बताती है पेटिशनर को कि श्री मोदी इन हिज ऑफिस ही वुड फ्रीली इंटरप्ट शेड्यूल्ड मीटिंग वर्किंग आउट ऑफ हिज ऑफिस ऑन सीनियर ऑफिशियल्स इन ऑर्डर टू स्पीक टू हर प्राइवेटली। बहुत जोर शोर से प्राइवेट कन्वर्जेशन के बारे में विजेंद्र गुप्ता बोल रहे थे। यहां पर सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देकर लिखा गया है, मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। अधिकारियों से कहते थे मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब मेरे को केवल इस महिला से बात करना है, और राजपाट का सारा काम छोड़ के उस महिला के साथ बात करने निकल जाते थे। सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2006 एट अप्रोक्सीमेटली 5 PM मिस कॉल द पेटिशनर एंड कन्वेड दैट शी हैड जस्ट लैंडेड इन अहमदाबाद एंड वॉज प्लानिंग टू विजिट भूज। शाम को 5 बजे वे अहमदाबाद में उतरती हैं फ्लाइट से, इस आईएएस ऑफिसर को फोन करते हैं कि मैं अहमदाबाद आ गई हूं और अगले दिन मैं भूज जाने वाली हूं, लेकिन थोड़ी देर के बाद उनका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। 2 days later एट अप्रोक्सीमेटली 11 AM मिस कॉल द पेटिशनर एंड कन्वेड शी वॉज एट द रेजिडेंस ऑफ श्री मोदी जी। 2 दिन तक फोन स्विच ऑफ रहता है, और 2 दिन तक स्विच ऑफ रहने के बाद 2 दिन के बाद 11 बजे वो वापस एक पेटिशनर को कॉल करती है और बोलती है कि मैं 2 दिन तक मोदी जी के घर पे मेरे को रखा गया था और इसीलिए मेरा फोन स्विच ऑफ था। व्हेन शी लैंडेड एट अहमदाबाद एयरपोर्ट शी वॉज रिसीव्ड बाय श्री ओपी सिंह श्री मोदी डेप्यूटी एंड वॉज एस्कॉर्टेड इन ए व्हीकल टू चीफ मिनिस्टर्स रेसिडेंस। मोदी जी के डिप्टी ओपी सिंह उनको लेने आते हैं एयरपोर्ट में, अपनी गाड़ी में बैठाते हैं और सीधे मोदी जी के घर लेके जाते हैं। और कैसे लेके जाते हैं, शी वॉज एडवाइज टू स्विच ऑफ हर सेलफोन, तो कहते हैं अपना फोन बंद कर लो एंड एंटर द चीफ मिनिस्टर्स रेजिडेंस टू रियर डोर, कहते हैं सामने के दरवाजे से नहीं आना, तुम्हें पीछे वाले दरवाजे से अंदर लेकर जाएंगे करके। उस महिला का फोन बंद करा के सरकारी गाड़ी में रखा के पीछे वाले दरवाजे से नरेंद्र मोदी के घर लेके जाया जाता है। और उसके बाद शी वॉज टेकन टू द फर्स्ट फ्लोर एंड गिवन अ रूम अक्रॉस द चीफ मिनिस्टर्स बेडरूम। उसको फर्स्ट फ्लोर में ले जाते हैं और मोदी जी के बेडरूम के बगल वाले कमरे में कहते हैं तुम्हें यही रहना होगा। अगले दिन वो महिला लिखती है कि होली का त्यौहार था, अगले दिन बहुत सारे लोग मोदी जी से मिलने आए, लेकिन मोदी जी केवल थोड़ी देर के लिए नीचे गए मिलने के लिए, उसके बाद वापस कमरे में आ गए। उन मिलने वालों में आनंदीबेन पटेल भी गई थी। श्री मोदी अटेंडेंट टू देम ब्रीफली एंड रिटर्न टू हिज क्वार्टर्स, बहुत थोड़ी देर के लिए लोगों से मिले, उसके बाद अपने कमरे में वापस आ गए। ये महिला इस बीच में बीमार भी होती है, शी डेवलप्ड अ फीवर एंड रिक्वेस्टेड अ फिजिशियन, वो कहते हैं मेरी तबीयत खराब है किसी डॉक्टर को बुला दो। तो मोदी जी क्या कहते हैं उससे, मोदी जी उससे कहते हैं कि कॉलिंग अ फिजिशियन इज इम्पॉसिबल, डॉक्टर को तो हम बुला ही नहीं सकते, किसी को पता लग जाएगा कि तुम यहां पर आई हो। और उसके बाद मोदी जी उसको अपने जीवन की घटनाएं सुनाने लग जाते हैं और अगले बार उसको कार से भेजा जाता है। इसके बाद इसी एफिडेविट में लिखा है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा किया गया है कि वो महिला भावनगर जाती है जिस वक्त मोदी जी साउथ अफ्रीका के टूर में गए हैं, और वहां से भी मोदी जी को चेंज नहीं पड़ता, वहां से भी उसको फोन और एसएमएस करने का सिलसिला जारी रखते हैं। पेटिशनर फाउंड दैट शी वॉज कॉन्स्टेंटली इन टच विद श्री मोदी हु वॉज अब्रॉड एंड प्रोबेबली इन साउथ अफ्रीका एट द टाइम। शी ऑल्सो कन्वेड टू द पेटिशनर दैट श्री मोदी आस्क्ड हर अबाउट द पेटिशनर ऑफ हिज रूटीन एंड हैबिट एंड वेदर द पेटिशनर न्यू अबाउट द रिलेशनशिप दे शेयर्ड। इन वन कन्वर्जेशन मिस शोड द पेटिशनर अ टेक्स्ट मैसेज दैट द चीफ मिनिस्टर हैज सेंट हर फ्रॉम अब्रॉड। और खास तौर पर इस महिला से बात करने के लिए अलग मोबाइल नंबर मोदी जी ने रखा हुआ था, वो मोबाइल नंबर भी इस एफिडेविट के अंदर दिया गया है। इसके बाद इससे भी ज्यादा खतरनाक बात होती है, पेटिशनर प्रदीप शर्मा जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, इनके पास एक लेटर आता है कि एक सीडी है इस महिला की किसी व्यक्ति के साथ सेक्स करते हुए, और वो सीडी जो है वो सरकार के पास है, इसीलिए प्रदीप शर्मा इस महिला से मिलना बंद कर दें। और इस लेटर के आने के बाद प्रदीप शर्मा के साथ कई तरह के टॉर्चर होने लगते हैं, और प्रदीप शर्मा ये कहते हैं लास्ट में, इट नाउ अपीयर्स टू द पेटिशनर दैट श्री मोदी स्टार्टेड बिलीविंग दैट द वीडियोज इन्वॉल्विंग मिस परहैप्स इंक्लूडेड श्री मोदी हिमसेल्फ।
यानी कि मोदी जी को यह लगा कि मोदी और उस महिला के बारे में जो वीडियो सीडी है वो खुद इस पेटिशनर के पास आ गई और इसीलिए इस पेटिशनर के साथ कई तरह के केस और कई तरह के मामले दर्ज करके इनका पूरा करियर बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। पर अध्यक्ष महोदय, ये सीडी और ऑडियो रिकॉर्डिंग इसके बहुत शौक है विजेंद्र गुप्ता जी को, आज उनके सारे शौक पूरे कर देते हैं विधानसभा के अंदर। अभी भी गए कि मैं जाके बाहर दिखाऊंगा लोगों को एक ऑडियो सीडी, एक सीडी में एक विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। और ये सीडी अमित शाह की है, अमित शाह की पुलिस अधिकारियों के साथ बातचीत की है। और ये सीडी वो घिनौना सच हिंदुस्तान के सामने लेके आती है कि कैसे एक मुख्यमंत्री एक लड़की अपने से आधी उम्र की लड़की के पीछे पड़ता है, और पीछे कैसे पड़ता है, पूरी की पूरी पुलिस उसके पीछे लगाता है। केवल पुलिस नहीं, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी और यहां तक कि एटीएस के अधिकारियों तक को भी एक लड़की के पीछे लगा देता है उसकी एक एक पल की खबर रखने के लिए। पुलिस अधिकारियों के बीच में खुद पुलिस अधिकारी सिंगल 267 फोन कॉल का रिकॉर्ड है, 267 कॉलों का रिकॉर्ड दिया गया है, सीबीआई के पास भी दिया गया था। और इसमें सिंगल ने खुद बोला है अगस्त से लेकर सितंबर 2009 के बीच में उस लड़की के प्राइवेट मूवमेंट और प्राइवेट कन्वर्जेशन को रिकॉर्ड करने के लिए, पीछा करने के लिए अमित शाह किस तरीके से पुलिस वालों को निर्देश दे रहे हैं। मैं चाहता हूं सदन के अंदर उस सीडी को चलाया जाए। इसमें अमित शाह जी सिंगल नाम के अधिकारी को कह रहे हैं कि वो जहां गुजराती में ये बात कह रही है, और उनको ये बोल रहे हैं कि उस जगह के मोबाइल टावर की सारी रिकॉर्डिंग ले लो, जिस होटल में वो रुकी है सारी रिकॉर्डिंग ले लो, और जो लड़का उस लड़की से मिलने के लिए आने वाला है उसके सारे डिटेल चाहिए। आगे के लिए लड़की शाम की फ्लाइट से मुंबई जाने वाली है, और मोदी जी अधिकारी को कह रहे हैं कि गो एयर की फ्लाइट है, किसी हालत में भी मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए। अमित शाह बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं कि साहब को सब पता है, साहब को सब पता है, साहब पता करना चाहते हैं इस लड़की के बारे में, साहब को सब पता है, और किसी भी हालत में ये मुंबई नहीं पहुंचनी चाहिए लड़की। खबर पड़ेगा सर, ना सर मैं कहूँ ना होता है अध्यक्ष महोदय, इसमें अमित शाह कह रहे हैं कि मोदी जी मेरे साथ ही बैठे हैं, साहब मेरे साथ ही बैठे हैं, साहब कह रहे हैं कि अंदर दो हैं, एक लड़की और एक लड़का है, उनके सारे नजर रखो। वो पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि मैंने पूरी टीम लगाई है,
जैसे ही वो होटल से बाहर निकलेंगे हम उनका पीछा करेंगे, एक एक रिकॉर्ड हमारे पास है, उनके फोन रिकॉर्ड हो रहे हैं। और ये अमित शाह बोल रहे हैं उस वक्त वहां गृहमंत्री, यानी गृहमंत्री एक लड़की का पीछा कर रहा है, पूरी की पूरी पुलिस की फोर्स लगी हुई है, मुख्यमंत्री उस लड़की में इंटरेस्ट ले रहे हैं, मुख्यमंत्री उसको अपने घर बुला रहे हैं, घर पीछे वाले दरवाजे से आनी चाहिए, फोन स्विच ऑफ रहना चाहिए, डॉक्टर भी ना आ जाए गलती से उस लड़की के साथ कुछ हो जाए। साउथ अफ्रीका में जाकर भी चैन नहीं पड़ रहा वहां से, और आज नहीं मालूम लड़की कहां, आज नहीं मालूम इसका परिवार कहां। और मैं कहता हूं ये तो शायद एक मामला है जो सामने आ गया, अगर कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने के बाद अपने गृहमंत्री, पुलिस अधिकारी, इंटेलिजेंस के अधिकारी और एटीएस के अधिकारियों को एक लड़की के पीछे लगा सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, तो उसका कोई चरित्र नहीं है। और डाटा वाले बहुत जोर जोर से पूछ रहे थे, बहुत जोर जोर से पूछ रहे थे, संदीप कुमार का मुद्दा उठा रहे हैं, इंटरनेट पे राशन कार्ड, राशन कार्ड, मैं कहता हूं राशन कार्ड छोड़ो, तुम ये बताओ जशोदा बहन का पासपोर्ट कब बनेगा, कौन से चरित्र की बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी को मामले की जानकारी मिली 15 मिनट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने निर्णय ले लिया। वो कहावत है ना, ऊपर वाले के घर में देर है पर अंधेर नहीं, हमारी पार्टी में तो देर भी नहीं है। मंत्रियों को भी ट्विटर से पता लगता है अगर किसी, और हम सबको मालूम है, जितने लोग हम यहां पर बैठे हम में से सबको मालूम है, एक गलती करेंगे गलती की माफी नहीं है यहां पर। लेकिन इसका क्या, जितनी बड़ी बड़ी चरित्र की, राजनीति की, शुचिता की, पवित्रता की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, एक सीडी के आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता बताएं, एक सीडी संदीप कुमार की 15 मिनट में फैसला हो गया, एक सीडी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की है, भारतीय जनता पार्टी फैसला लेने की हिम्मत दिखाए, क्या फैसला ले सकती है सीडी के ऊपर। मेरे को लगता है कि, और ये पूरा का पूरा 15 मिनट की रिकॉर्डिंग है, मैं विधानसभा के रिकॉर्ड में देना चाहूंगा ये एफिडेविट और रिकॉर्डिंग, और मैं ये चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड में रहे और आज का दिन रिकॉर्ड में रहे कि जब राजनीतिक शुचिता की, पवित्रता की, नेताओं के चरित्र की चर्चा हो रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पोल इस विधानसभा के अंदर खोली जा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर हिम्मत नहीं थी सदन के अंदर रुकने की और चर्चा में भाग लेने की। तो बस मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं, मेरे को लगता है पूरे देश दिल्ली की विधानसभा के माध्यम से यह जान जाएगा कि चरित्र के मामले में और राजनीतिक सफाई के मामले में आम आदमी पार्टी कहां खड़ी है, भाजपा कहां खड़ी है, मोदी जी कहां खड़े हैं और अरविंद केजरीवाल कहां खड़े हैं। बहुत बहुत टपाटप टपाटप। मेरे को समझ में नहीं आता वो मामले में आगे हुआ क्या, क्या ये कोई पूछ सकता है कपिल भाई से कि कपिल भाई वो सीडी है कहां पे, और आखिर आपके पास इतने सबूत होने के बाद भी आपने उसे जनता के सामने क्यों नहीं लाया। मैं निवेदन करता हूं प्लीज कपिल भाई उसको ना पब्लिक में डालो, लोगों को पता चलना चाहिए असलियत क्या है। अरे यार अकेले अकेले देखोगे क्या, हम भी तो, हमको भी तो दिखाओ कौन है भाई। सबको पता है ये चीजें कैसी हैं, और आपने जो गंभीर आरोप लगाए हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया आप जैसे लोग जो दो कौड़ी में बिक जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी का चाटेंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी का चाटेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कल को कोई आपको ज्यादा पैसा देगा ना आप उसके कोठे पे भी जाके नाचोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो चीज आपने विधानसभा के अंदर कही थी वो अब कहां पे है, वो देश को जानना जरूरी है। कृपया अगर आप एक बाप की औलाद हैं तो उस मामले को वापस जनता के बीच में रखें, उस सीडी को, उस सारी जानकारी को, वो एफिडेविट को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डालें। अगर आप सही में जनता की बात करते हैं, इतना गंभीर मामला, एक महिला के ऊपर इतने अत्याचार होने वाले मामले को आप आखिर कैसे दबा सकते हैं। आपके घर पे भी बेटी है मेरे हिसाब से, बाकी आप खुद समझदार हैं, और आपके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है ये वीडियो क्लियर बताता है। आपने उनकी नस पकड़ के रखी है जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। आज के लिए काफी है कपिल भाई, और एक चैलेंज है खुला, तुमको ना जो उखाड़ते बनता है ना उखाड़ लो, शाहीन बाग पूरे भारत में चलेगा, और तुम और तुम्हारे जितने अब्बा बैठे हैं ना रोक के दिखाओ, ये संविधान ने हमें दिया हुआ हक है, विरोध प्रदर्शन करने का हमें हक है, तुम भी करो, किसने रोका है, आओ तो सही। पुलिस के पीछे छुपके वार करने वाले डरपोक फट्टू, तुम बड़ी बड़ी बातें, पहले निकलने का, कैसा निकलने का मालूम है ना,
फुर्सत में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों, विनय दुबे मुंबई से। कैसे वंड भक्तो, कहां गटर गोबर? नहीं 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 साले, गटर तो गटर। ठीक है, आज मैं बात करूंगा तुम्हारे नए बाप की। नया बाप मालूम है ना? अरे यार, तुम लोग रोज बाप बदलने वाले, तुमको याद दिलाना पड़ता है। अरे वही दिल्ली वाला तुम्हारा कपिल मिश्रा, अभी कुछ दिन पहले उसने ट्वीट किया था कि शाहीन बाग की फिर से तैयारी हो रही है, हमें अलर्ट रहना है। तो सुन बे कपिल, बेटा कपिल सुन रहा है ना? हाँ, ये जो शाहीन बाग है ना, ये तेरे औकात से बड़ी चीज है। और तू क्या, तेरी पूरी जो ऊपर नीचे बैठे हुए लोग हैं ना, वो पूरा अपना पिछवाड़ा लगा देंगे ना, तो भी ये बंद नहीं कर सकते। ये संविधान ने हमें दिया हुआ अधिकार है, और शाहीन बाग चलता रहेगा। तुम्हारे अंदर जितना भी गुर्दा होगा, दम होगा ना, रोक के दिखाना। तुम लोग साले पीछे से वार करने वाले, कभी सामने से भी आया करो रे। कब तक पुलिस के पीछे छुपके फायरिंग करेगा? कब तक पुलिस के छुपके पीछे छुपके लड़ेगा रे? देखा हमने दिल्ली में दंगे के टाइम पे तेरा पीछे के पुलिस के पीछे छुपके बहुत बड़ा शेर बनता है। आप लोगों को पता है ये कपिल मिश्रा आज तक बचा क्यों है? कपिल मिश्रा के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कपिल मिश्रा ऐसे आजाद क्यों घूम रहा है? उसके पीछे एक कारण है, उसके पास एक सेक्स सीडी है जिसमें एक पुरुष और एक महिला करते हुए दिख रहे हैं, और उस सीडी के दम पे वो बंदा पूरे भारत में जहर फैला रहा है, दंगे भड़काता है, सारी चीजें खुलेआम करता है, लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। उसका कारण है वो सीडी। और ये सीडी किसकी है, ये कपिल मिश्रा बता रहे हैं अपने मुंह से। जरा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं, किसके बारे में कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। वो सीडी में आखिर ऐसी क्या चीज है जिसकी वजह से आज तक पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करती है? भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के गृह मंत्री जी चुप क्यों हैं? आखिर कपिल मिश्रा भारतीय जनता पार्टी को क्यों ज्वाइन किया, और आखिर उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसका एकमात्र कारण है ये सेक्स सीडी। और ये सेक्स सीडी किसकी है, ये कपिल मिश्रा बताएगा आज अपने को। और खास करके अंडर भक्तो, ये वीडियो जरूर देखो, तुम्हारे पापा के चरित्र हनन की एक एक डिटेल में उन्होंने पूरा डिटेल दिया है। आज की वीडियो हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, ये जरूरी है देश को जानना कि आखिर वो सीडी किसकी थी, और आखिर कपिल मिश्रा इतना डंके की चोट पे कैसे बोल पाता है। देखिए कपिल भाई, जरा डिटेल में बताना। पंजाब नहीं माफ करेगा। इस एफिडेविट को देखिए आप, ये प्रदीप शर्मा नाम के आईएएस अधिकारी हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और ये क्या लिखा है इस एफिडेविट में, चाहता हूं सभी सदस्यों को इस एफिडेविट की प्रतियां जरूर दी जाए, और सदन के रिकॉर्ड में यह एफिडेविट में आज दूंगा, सदन के रिकॉर्ड में यह एफिडेविट रखा जाए। एफिडेविट में लिखा है, चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड कच्छ टू इनॉग्रेट द हिल गार्डन प्रोजेक्ट, एंड अपॉन इट्स कंप्लीशन इट वॉज द टाइम वेन ही वॉज इंट्रोड्यूस टू एन आर्किटेक्ट, उसका नाम मैं यहां नहीं लूंगा, लेकिन उस महिला से हिल गार्डन प्रोजेक्ट के पूरा होने के समय परिचय होता है। शरद उत्सव अक्टूबर 2005 में नरेंद्र मोदी जी उनके साथ ईमेल पे बात करनी शुरू करते हैं, और उसके बाद श्री मोदी एंड मिस हैड बिगन टू एक्सचेंज टेक्स्ट मैसेजेस विच शी कम्युनिकेटेड टू द पेटिशनर। शी फर्दर मेंशन दैट शी वाज प्लानिंग टू मीट द चीफ मिनिस्टर, उनको उनके घर पे मिलने के लिए बुलाया जाता है मुख्यमंत्री महोदय के, और शरद उत्सव के अगले दिन सुबह 7 बजे फॉलोइंग मॉर्निंग एट द साइट ऑफ शरद उत्सव एट अप्रोक्सीमेटली 7 AM द पेटिशनर वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ श्री मोदी वेन मिस अराइव एंड द कन्वर्जेशन बिटवीन दैम एश्योर्ड द पेटिशनर दैट श्री मोदी एंड मिस वर इन फैक्ट। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24x7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।